हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरे करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369, यानी 369 को हम किससे डिवाइड करें ताकि आंसर भी 369 ही आए। अब किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आएगा 1। बी पार्ट देखिए, -75 को डिवाइड करें हम किस नंबर से ताकि आंसर -1 आ जाए। अब 1 आने के लिए किसी सेम नंबर को सेम से ही डिवाइड जब हम करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो यहाँ 75 आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं साइन पे फोकस करना है। सबसे पहले आप नंबर पे फोकस किया कीजिए कि नंबर क्या आएगा, उसके बाद साइन को देखें क्या आता है। अब आंसर में चाहिए माइनस का, और यहाँ पे एक माइनस होने से आंसर माइनस आएगा, और वो एक माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है, तो जो हम ब्लैंक भरेंगे ना उसमें माइनस नहीं आएगा, तो यहां 75 ही रहेगा, सिंपल। सी पार्ट देखिए, -206 को किससे डिवाइड करें ताकि आंसर 1 आ जाए। अब 1 तभी आता है जब हम उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर तो 206 ही आएगा। अब साइन पे फोकस करते हैं, आंसर में है हमारा प्लस, और यहां क्वेश्चन में इधर एक माइनस है, तो एक माइनस तो आंसर को माइनस बना देता है। लेकिन अगर मैं यहां भी माइनस लगा दूं तो माइनस से माइनस कट जाता है डिवाइड में और आंसर प्लस बन जाता है, तो इस हिसाब से यहां पे -206 आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा -206। और जब भी आपका आंसर माइनस में आए तो ब्रैकेट आप जरूर लगाएं। डी पार्ट देखिए, -87 को डिवाइड करें किस नंबर से ताकि 87 आ जाए प्लस का। अब 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 87 आ जाएगा, ये तो हुआ नंबर नंबर। अब साइन पे फोकस करते हैं, हमारा आंसर होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहां क्वेश्चन में एक नंबर के साथ में यहां माइनस है, तो 2 अगर माइनस हो जाए तो फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर प्लस आ जाएगा, तो यानी हमें 1 के अंदर माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहां इसका आंसर होगा, इस ब्लैंक में भरा जाएगा माइनस का 1। ई पार्ट देखिए, ब्लैंक है डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87, यानी किस नंबर को हम 1 से डिवाइड करें ताकि 87 आ जाए माइनस का, तो साइन हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ नंबर पे फोकस करते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ 87 होगा। अब साइन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 87 है आंसर में, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का जरूर होगा। अब जो बुक में है वो तो माइनस का नहीं है, तो यानी जो हम अपने पास से लगाएंगे ब्लैंक में वो हमें माइनस का लेना पड़ेगा, तो यहां माइनस का 87 आएगा, तो ये -87 होगा। एफ पार्ट देखिए, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1, यानी किसे हम डिवाइड करें 48 से ताकि माइनस का 1 आ जाए, तो पहले 1 ही देख लेते हैं कि 48 को अगर हम 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब साइन पे फोकस करें तो आंसर में चाहिए माइनस का 1, और माइनस 1 तब आएगा तब इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर माइनस का हो, बुक वाले ने तो माइनस लगा नहीं रखा, तो हमें अपने पास से माइनस लगाना पड़ेगा तब जाके ये आंसर माइनस का 1 आएगा, तो ब्लैंक में -48 भरना है। जी पार्ट देखिए, 20 को किससे डिवाइड करें ताकि आंसर माइनस का 2 आ जाए, तो साइन बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ नंबर देखेंगे, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस चाहिए आंसर में, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस का भी होना चाहिए, अब बुक वाले ने तो माइनस लगा नहीं रखा, तो हमें जो हम ब्लैंक भरेंगे उसमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो -10 आएगा यहां पर। एच पार्ट देखिए, किस नंबर को डिवाइड किया जाए 4 से ताकि आंसर माइनस का 3 आ जाए, तो अगर मैं देखूं आप ऐसे टेबल भी पढ़ सकते हैं, 3 4 12, तो 12 वो नंबर होगा जिसे 4 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा। अब आंसर में माइनस चाहिए, इन दोनों में से कोई एक माइनस का होना जरूरी है, बुक वाले ने माइनस लगा नहीं रखा, तो आपको अपने नंबर में माइनस लगाना पड़ेगा तब जाके आंसर आपका माइनस में आएगा, तो -12 होगा यहां पे।
क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।